हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लुकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 6 है जिसको हमने कहा था कि आपको हम इसको ऑनलाइन एक्सप्लेन कर पाएंगे, बिकॉज इसमें ग्राफिकल थोड़ी सी एनालिसिस करनी है हमको, जो कि ऑन बोर्ड बना पाना इतना आसान नहीं होता है। सो देखिए, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर 3 ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये आपके सामने डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया गया है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है किलोमीटर में है, ये वैसे ही गलत लिखा है, यहाँ पे ऊपर डिस्टेंस दे रखी, तो यहाँ पे टाइम होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ मिस प्रिंट, यहाँ पे ये टाइम है। सो दिस इज़ डिस्टेंस का इन ग्राफ, और 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ए बी और सी। ओके, 3 ऑब्जेक्ट्स आर हियर, ए बी एंड सी। अब देखिए क्वेश्चन हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। आपको बताना है कि इन तीनों में सबसे तेज किसकी मोशन है। तो यू नो गाइज कि अगर हमको सबसे तेज देखना है कि कौन फास्टेस्ट चल रहा है, तो हम बिलीव किस पे करते हैं, स्लोप पे करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर ग्राफ में सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है। तो आप देखिए, जो तीनों का एंगल देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो जो ए ग्राफ जा रहा है, ये थोड़ा सा नीचे है। ओके, और ए ग्राफ आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको बहुत आपको माइन्यूटली वॉच करना है, बहुत अच्छे से आपको वॉच करना है। देखिए, आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो एंगल मेंटेन कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो कौन है, वो आपका ग्राफ बी है। ये वाला देखिए, ये एंगल सबसे ज़्यादा है एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, ये एंगल छोटा है और ये एंगल तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा एंगल ये है, इसका थीटा यानी कि एंगल सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका स्लोप हाईएस्ट है। तो यदि मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होगा, बी का होगा। बी के बाद ए है, तो ए का स्पीड ज़्यादा होगा, एंड देन बी सबसे बड़ा इस बी का, देन उसके बाद ए का, एंड देन उसके बाद लास्ट में सॉरी उल्टा हो गया, आई थिंक बी सबसे ज़्यादा, फिर ये सी है ग्राफ, हाँ क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सी कर लीजिए। ओके, दिस इज सी, वी सी, एंड देन वी ए। ये जो ए का ग्राफ है ना, ये ए आ रहा है एग्जैक्टली, यस ये, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऐसे। तो यहाँ पे ए का जो स्लोप है वो सबसे कम है, एंगल सबसे कम है। तो फर्स्ट आंसर बनेगा कि सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो है कार बी की है या ऑब्जेक्ट बी की है, सिंस स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्ट बी इज़ ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट सी, दैट्स वाई इट इज़ ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। तो ये सबसे ज़्यादा तेज आपका चल रहा है ना, कौन सा पार्ट चल रहा है सबसे ज़्यादा तेज, बी वाला पार्ट, यस ये लिख दिया मैंने। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, मैंने आपको बता दिया है कि बी सबसे ज़्यादा तेज चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ इस ग्राफ में, ग्राफ के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। ये जो ग्राफ है ना, ये आपका स्टार्ट हुआ है ज़ीरो से, मतलब ये जो इसका स्टार्ट हुआ है ज़ीरो से, मतलब इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है या इनिशियल डिस्टेंस ज़ीरो है, मतलब ओरिजिन से इसका रेफरेंस पॉइंट है। और ये जो ग्राफ है, इसकी इनिशियली कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट थी, यहाँ पे 4 है, आपको उसको काउंट करना पड़ेगा कि कितना है। ओके, सो यहाँ पर इनिशियली इस ग्राफ की कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ज़्यादा है। तो इस बात से मतलब नहीं है, आपको केवल और केवल एंगल देखना होता है स्लोप निकालते वक्त, कि किसका एंगल ज़्यादा है किसका एंगल कम है। तो क्लियरली दिख रहा है इसका एंगल बहुत ज़्यादा है, और एंगल बहुत ज़्यादा है तो स्लोप बहुत ज़्यादा होगा, दैट्स वाई द ग्राफ बी और ऑब्जेक्ट बी हैविंग द हाईएस्ट स्पीड। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की रिमूव करते हैं, दिस हैज़ बीन डन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, आर ऑल द 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या तीनों ग्राफ जो हैं, क्या तीनों जो हैं ये सेम पॉइंट पे हो पाएंगे। All are at the ever at the same point on the road। देखिए भाई, रोड पे मिलने के लिए, अब रोड पर अगर आप मिल रहे हैं तो आपकी एक ही पॉइंट पर तीनों ग्राफ कट करने चाहिए, डिस्प्लेसमेंट तीनों का सेम होना चाहिए।
है ना, मतलब पोजीशन जो है तीनों की सेम होनी चाहिए। तो आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसी की तीनों की पोजीशन सेम नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये मीट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये मीट कर रहे हैं और यहाँ पर मीट कर रहे हैं। तो कितने लोग मीट कर रहे हैं? दो दो लोग। जैसे इस पॉइंट पर कौन कौन मीट कर रहे हैं? यहाँ पर है ना, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, ऊपर देखो तो भूल जाता है। तो ये बी वाला है और ये कौन सा वाला है? सी वाला है, दिस इज़ फॉर सी, और ये ए वाला है। तो आप देखिए यहाँ पे कौन मीट कर रहा है? यहाँ पे बी एंड सी मीट कर रहे हैं। यहाँ पे कौन मीट कर रहा है? यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है सी एंड ए। और यहाँ पे कौन मीट कर रहा है? यहाँ पे ए एंड बी। ओके भाई, डिस्टेंसेस सेम है, मतलब मिलेंगे कहीं ना कहीं जाके। तो क्या सबके सब मिल रहे हैं किसी पॉइंट पर? नो, नहीं मिल रहे हैं। सो आई कैन से ऑल थ्री ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी नेवर मीट एट सिंगल पॉइंट, दस दे वर नेवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। मतलब कि कभी भी ये जो हैं तीनों एक पॉइंट पे नहीं होंगे। हाँ, अगर ग्राफ कैसे भी होता और ये इस तरीके से मिल जाते, ये ऐसे जाता है, ये इस तरीके से चला जाता और एक ग्राफ और मान लीजिए, अब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कम तो नहीं हो सकती है, मतलब इस तरीके से ग्राफ चला जाता, तो ये तीनों एक पॉइंट पे मिलते, इन दैट केस हो सकता था, बट यहाँ पे नहीं होगा। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। ये देखो, इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ की एक्चुअली प्रॉब्लम समझ में आएगी। यहाँ पे क्या कह रहा है? हाउ फार सी ट्रेवल्ड, सी कितना ट्रेवल कर चुका है, सी कितना ट्रेवल कर चुका है व्हेन बी पासिस ए, जब बी ए को पास करता, तो उस समय आपको सी बताना है। तो देखो भैया, बी ए को कहाँ पास कर रहा है सबसे पहले? तो यहाँ पर देखिए, बी ने ए को पास किया है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बी ने ए को पास किया है, ठीक है ना। देखिए तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यूजिंग द रेड पेन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए अब क्या सीन बनेगा, आप देखिएगा, आप समझिएगा। ये बी है, तो यहाँ से ये बी चल रहा है और ये सी है और ये ए है। ये मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि इधर देखने में कन्फ्यूज़न सा क्रिएट हो जाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन, हाउ फार सी हैज़ ट्रेवल्ड, सी कितना चल चुका है व्हेन बी पासेस ए। तो सबसे पहले तो यहाँ पता लगाओ कि बी ने ए को कहाँ पर पास किया है। तो भैया, बी ने ए को यहाँ पर पास किया है, ये है, इस पॉइंट पर बी ने ए को पास किया है, ठीक है ना। देखिएगा थोड़ा सा एग्जैक्ट बनाता हूँ मैं, ये जो पॉइंट है, यस, इस पॉइंट पर बी ने ए को पास किया है। अब कह रहा इस मोमेंट पर सी कितना चल चुका है, तो ये टाइम है, ये टाइम लेके आइए, देखिए ये टाइम एक्सेस जो है यहाँ पर आएगा, ऐसे करते 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 ठीक है ना, ये टाइम एक्सिस यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहला आपका काम है कि ये जो पॉइंट है ये टाइम निकालो, ये टाइम है ठीक है, और इस टाइम पर क्या कह रहा है कि सी कितना चल चुका है, सी कितना चल चुका है। तो सी का ग्राफ कौन सा वाला है? ये वाला ग्राफ है, मैं इसको ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। सी का ग्राफ देखिए, ये सी का ग्राफ ये आ रहा है। तो सी का ग्राफ इस मोमेंट पे कितना चल चुका है? तो सी की जो पोजीशन है चलने की, डिस्टेंस की जो है, वो ये आ रही है, ये देखिए। तो मतलब इस समय पर जो भी टाइम है उसको हम निकाले नहीं, अभी अभी निकाल देंगे आप कहेंगे तो। तो इस पॉइंट पर जो है, हाउ फार कितना चल चुका है, तो भाई सी की पोजीशन जो डिस्टेंस है वो 8 है। बट अब रुक जाओ, क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि कितना चला है। आप देखिए कि सी का ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इस पॉइंट से हुआ था, और है कहाँ पर, इस पॉइंट पर है। मतलब जो सी ने डिस्टेंस कवर करी है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है भैया,
ठीक है, ये डिस्टेंस आपने सी ने कवर करी है, ये ब्लू कलर से मैं मार्क कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, पूरी ना निकालनी है, कितनी निकालनी है, इतनी डिस्टेंस, क्योंकि सी फाइनली 8 पर है उस समय, और जब चला था तो ये इस पॉइंट पे था। तो अब सवाल ये है कि हमको ये पॉइंट निकालना है, कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस। देखिए आप ध्यान से पहले बॉक्स काउंट करो, देखो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स 6 बॉक्स 7 बॉक्स, मतलब अगर आप 7 बॉक्स ट्रेवल करते हो, सो हाउ मच किलोमीटर, 4 किलोमीटर है ना। तो एक बॉक्स में कितना होगा, 4/7 किलोमीटर। जी हाँ, ये 1 बॉक्स में हो गया, ठीक है ना। तो 1 बॉक्स में आपका हो गया कितना, 4/7 किलोमीटर, ठीक है। अब आप टोटल बॉक्स काउंट कर लो, आपके पास कितने बॉक्स इसने चले हैं। ओके, सो यूजिंग दिस ऑरेंज पेन मैं काउंट करता हूँ सी के लिए, 1 बॉक्स 2 बॉक्स, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से सी का मोशन, क्योंकि सी तो पहले इधर पे 0 पे 4 पे इतने पे था, इस पोजीशन पे था, अब ये पोजीशन, इसको मैंने डार्क कर दिया। अब सी के टोटल आपको बॉक्स काउंट करने हैं, ठीक है ना। तो मैं दिखाता हूँ आपको सी के बॉक्स कितने हो गए, सी के बॉक्स देखिए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके 8 तक, ये जितना भी डिस्टेंस है 8 किलोमीटर है, बट हम टोटल 8 नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि सी की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। बहुत सारे बच्चे लग रहे हो सर 8 ले लो, नहीं भाई 8 टोटल नहीं ले सकते हो ना, सी का स्टार्ट 0 से नहीं हुआ है, यहाँ से हुआ है। तो चलो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स 6 बॉक्स 7 बॉक्स 8 बॉक्स 9 बॉक्स 10 बॉक्स, ये लीजिए जी, आ चुका है हमारा, कितना बॉक्स आ चुका है आपके पास में, 10 बॉक्स आ चुका है। और 10 बॉक्स में जो डिस्टेंस चलेगी वो कितनी चलेगी, एक बॉक्स में 4/7 किलोमीटर है, तो 4/7 × 10, ओके, 4/7 × 10 आंसर कितना हो गया, 40/7, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इज 40/7 किलोमीटर। तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आएगा कितना, 5.714 किलोमीटर एग्जैक्टली। सो करेक्ट आंसर चेक करता हूँ मैं, यस ग्राफ है ये, हाँ देख लीजिए 5.714। अच्छा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऐसा कर लिया कि टोटल 8 तक चले हो, 8 पे थे और स्टार्टिंग आपकी इतने ब्लॉक माइनस कर दिए, तो 1 ब्लॉक कितना है, 4/7 का है, तो 1, 2, 3, 4 ब्लॉक कितने के हो जाएंगे, 4 ब्लॉक हो जाएंगे 16/7 के। तो टोटल 8 में से नीचे वाले 16/7 को माइनस कर दिया है, तो यहाँ तक का आंसर आ जाएगा, ये किया गया है। तो फिलहाल हमारा आंसर आ चुका है, खैर जिसकी हमें तलाश थी कि सी ने कितना ट्रेवल किया है, तो आंसर 5.714 किलोमीटर। कब, जिस समय बी ने ए को क्रॉस किया है, या यू कैन से बी ने ए को ओवरटेक किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे ओवरटेक हो रहा है, बी का ग्राफ ऊपर जा रहा है और ए का ग्राफ नीचे जा रहा है, सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ ओवरटेकिंग। चलिए आई होप गाइज इट इज़ क्लियर, अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने इसको क्यों रोका था। हाउ फार बी हैज़ ट्रेवल्ड बाई द टाइम इट पासेस सी, लियो भाई अब बी को पूछने लग गया कि जिस समय बी ने सी को क्रॉस किया है उस समय इसने कितना ट्रेवल कर लिया होगा। तो देखिए बी और सी की कहानी कहाँ पे है, ये बी है और ये सी है, तो हाउ फार बी हैज़ ट्रेवल व्हेन इट क्रॉसेस सी, तो ये दोनों जो है ना यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, और ये टाइम भी बिल्कुल बीच का है ऐसा कुछ लग रहा है, तो बी और सी यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट पर। तो कह रहा है कि हाउ फार, क्वेश्चन एक बार पढ़ दूँ, हाउ फार बी हैज़ ट्रेवल बाई द टाइम इट पासिस सी, बी कितना चल चुका है जिस समय इसने सी को क्रॉस किया। तो भाई बी ने इतना चल लिया है, ये बी की पोजीशन है, देखिए डिस्टेंस है। अब बी की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से, तो बॉक्स तो उतने के ही हैं, कितने 4/7 के हैं ना बॉक्स, तो 4/7 के हिसाब से बॉक्स फिर से काउंट कर लीजिए। तो इस बार मैं अलग से कलर लेता हूँ, फिर से ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन का यूज़ करूँगा आपको दिखाने के लिए। सो दिस इज़ 1 बॉक्स, और जूम कर लूँ, एक्सक्यूज मी, हाँ
एक सेकंड रुकेंगे।